भिवाड़ी के यूआईटी थाना अधिकारी सत्यनारायण पर एक वकील के साथ मारपीट करने और थाने में बंद उसके भाई को छोड़ने की एवज में वकील से 50,000 रुपए रिश्वत मांगने के विरोध में भिवाड़ी टपुकड़ा सहित तिजाराबार के सभी वकील यूआईटी थाने के सामने धरने पर बैठे हैं। यूआईटी थाना अधिकारी सत्यनारायण के खिलाफ मामला दर्ज करने और उसे सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। इसको लेकर तीनों ही बार के अध्यक्षों ने यूआईटी थाना अधिकारी के खिलाफ भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्री को शिकायत दी है। भिवाड़ी सिविल कोर्ट में वकील राहुल खान पुत्र यूसुफ खान निवासी गाडपुर ने भिवाड़ी एसपी को शिकायत देते हुए बताया है कि उनका कहरानी में पेट्रोल पंप है जिसको उसका भाई शरीफ चलाता है। 18 अक्टूबर की रात को गाड़पुर गांव के ही रहने वाले कमल पुत्र जोमी, समेदीन पुत्र कमालू व अन्य 3-4 व्यक्ति आए। उन्होंने रात करीब 12:30 बजे पेट्रोल पंप के सेल्समैनों के साथ लूटपाट की, उनसे 1,00,000 रुपए लूट कर ले गए। साथ ही मालिक को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। ये पूरा घटनाक्रम जब शनिवार को सुबह सेल्समैनों ने वकील के भाई शरीफ को बताया तो शरीफ ने पूरे मामले की पेट्रोल पंप पर जाकर जानकारी जुटाई। वहां के सीसीटीवी फुटेज पेन ड्राइव में डालकर बदमाशों के खिलाफ यूआईटी थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आया। थाने पर पहुंचते यूआईटी थानाधिकारी सत्यनारायण ने उससे 50,000 रुपए की मांग की। जब उसने 50,000 रुपए देने से मना किया तो थानाधिकारी आवेश में आ गए और उससे कहा भाई को हवालात में बंद कर दिया। ये बात जब वकील राहुल खान को पता चली तो राहुल खान थाने में अपने भाई से मिलने और मामले का पता करने आया तो थानाधिकारी सत्यनारायण ने वकील से भी 50,000 रुपए देने की मांग की। जब राहुल ने पैसे देने से मना कर दिया तो थानाधिकारी ने कहा कि तुम्हें भी हवालात में बंद करके तुम्हारे भाई जैसे हालात बना दूंगा। और इसी दौरान थानाधिकारी ने गालियों का प्रयोग भी किया। इसी दौरान वकील राहुल मामले की गंभीरता को भांपते हुए वहां से चले गए और ये बात उन्होंने अपनी भिवाड़ी बार में जाकर बताई तो सभी वकील एक साथ यूआईटी थाने के सामने धरना देने के लिए पहुंच गए। तुरंत ही टपुकड़ा और तिजाराबार के वकीलों को सूचना दी गई तो यहां से भी बड़ी संख्या में वकील यूआईटी थाने के सामने पहुंचे हैं और फिलहाल थाने के सामने ही दरी बिछाकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।